वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कि ऐसे ही मसीहा जो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के लिए सामने आ रहे हैं, सोनू सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, बहुत बहुत स्वागत आपका। सोनू, हमने देखा है कि कैसे पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन के बीच आप कैसे लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रही थी, फ्लडेड है पूरा लोगों की मदद के लिए जो गुहार है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, हॉस्पिटल बेड हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, सब जगह सब तरीके से आप मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे ऑपरेट करते हैं आप माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर, जिस तरीके से आप साधन मुहैया करा रहे हैं, आपकी टीम भी लगी हुई है, लेकिन पूछते हुए भी अजीब लग रहा है क्योंकि ये सवाल मुझे प्रशासन और शासन से करना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं ये कहूँगा कि एक प्रशासन भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहा, लेकिन हर एक इंसान को उठना पड़ेगा क्योंकि इस समय हर किसी की ज़रूरत है। मैं कैसे करता हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं करीबन 22 घंटे हम लोग फ़ोन पे रहते हैं, हज़ारों 30-40 हज़ार हम लोगों को रिक्वेस्ट आती हैं। मैं अपनी टीम बनाई हुई है कि अगर एक टीम कम से कम 10 लोगों की ऐसी है जो सिर्फ मेरी ट्विटर लाइन पे रेमडेसिविर के लिए ढूंढते हैं, यू नो टॉकली जुमैप के लिए ढूंढते हैं, बेड्स के लिए ढूंढते हैं, अलग अलग सिटी वाइज ढूंढते हैं। फिर मुझे सब लोगों को फ़ोन करना पड़ता है। मैं सब डॉक्टर्स जितने हैं देश भर में उनके आप CMOs की बात करें, DMs की बात करें, जो चीज़ें मुहैया करानी होती हैं फटाफट करवानी पड़ती हैं। और खासियत इस बात की ये है कि हम जिसको एक बार मदद कर देते हैं वो एक तरह की हमारी टीम का हिस्सा बन जाता है कि आपने मेरी माँ की जान बचाई, आपने मेरे पिता की जान बचाई, अभी हम आपके लिए इस डिस्ट्रिक्ट में, इस गांव में खड़े हों। तो कभी भी कोई जरूरत होती है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि चलिए सिलेंडर उठाइए, वहां पहुंचिए, इस मरीज को वहां से उठाइए, यहां पहुंचिए। तो एक जो टीम है, मैं उसे देख रहा था कि अगर मेरे पास जितनी रिक्वेस्ट आती हैं, अगर मैं उन मैसेजेस का जवाब देने लगूं तो मुझे कम से कम 11 साल लगेंगे उन तक पहुंचने में। तो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है, बट कोशिश जारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। सोनू, काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस भी होता होगा क्योंकि हमने देखा था कि स्पाइस जेट के एक विमान में आपकी तस्वीर लगा के आपको थैंक्स बोला गया था, लाखों लोग आपको इस वक्त थैंक्स बोल रहे हैं। जो पिछले साल आपने किया दरअसल वो सीधे तौर पर जान से जुड़ा हुआ नहीं था, आप मदद कर रहे थे मजदूरों की, गरीबों की, उनको घर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बार पल पल कीमती है, एक मिनट की भी देरी किसी की जान ले सकती है। इसमें कैसे आप अपनी नर्व्स को साधे रखते हैं, कैसे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा है और जब आप उस तक मदद नहीं पहुंचा पाते हैं तो गिल्ट फैक्टर भी होता होगा? बहुत होता है, हर रोज होता है। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। रात को एक लड़की है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे थे बेड दिलाने के लिए और ICU मिल नहीं रहा था, तो मैं सब हॉस्पिटल्स में कर रहा था। मुझे करीबन 1:30 से 2 बज गए उनको फ़ोन करते करते, लेकिन नहीं मिला। और जो उसकी सिस्टर थी जो बॉम्बे में, बहुत रो रही थी और कह रही थी कि आप ही हमारी आखिरी हो गए, नहीं तो यू नो ख़त्म हो जाएगी फैमिली। तो मैंने रात को 2:30-3 बजे जब हताश हो गए, मुझे लगा कि यार नहीं मिल पा रहा हूँ, मैंने उनको बस भगवान से छोटे से मैं एक प्रे की कि सुबह तक इसको ठीक रखना और हम लोग किसी तरह इनको पहुंचा पाएंगे। और जब सुबह उठी, मैं 5:30 बजे उठा, मैंने वापस हॉस्पिटल्स के साथ फॉलोअप किया जो मेरे कनेक्शन से, और सुबह 5:45 बजे वो पहला बेड मिला और हमने एम्बुलेंस से फटाफट उस लड़की को पहुंचाया। अभी वो स्टेबल है तो ठीक लगता है। तो हर एक मिनट की कीमत है। जब मेरा फ़ोन मेरे से दूर होता है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई इंसान जो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है शायद वो अपनी जान गंवाना दे। हम लोग उनको हर जगह, चाहे करनाल हो, पटियाला हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हर एक मिनट में एक जान बचाई जा सके। सोनू, जाहिर तौर पर आप एक बड़ा और सराहनीय काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सोनू, और ट्विटर पर हम सभी देखते हैं, जो आपके इंटेंशंस को डाउट करने से भी नहीं चूकते। ऐसे लोगों पर कभी गुस्सा आता है, खींच आती है? कहाँ समय कहाँ है, जो लोग जरूरत वाले हैं उन तक पहुंचने में हम लोग सक्षम नहीं हो पाते, इतनी आती हैं। तो जो लोग उंगली उठाते हैं उनके लिए समय कहाँ है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग उंगली उठाते हैं थोड़ा सा समय रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाने में लगाएं, यू नो ज़्यादा भला हो पाएगा। पर फर्क नहीं पड़ता, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, आपको सिर्फ काम करते रहना जरूरी है। सोनू, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज इस वक्त आपके लिए क्या है? बहुत चुनौतियां होंगी क्योंकि लोगों तक अलग अलग राज्यों में पहुंचना, शहरों में पहुंचना, वहां के कॉन्टैक्ट्स, क्या ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हैं आपकी? देखिए, सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि जब आप नया शहर आता है, आपको एकदम नया शहर आता है जहां पर आपको कोई कनेक्शन नहीं था, वहां पर कैसे पहुंचे। जान की तो उसकी भी उतनी कीमत है, तो हम लोग वो नया कॉन्टैक्ट ढूंढते हैं। जब वो मिल जाता है
तो हमारा वो एक टिक मार्क हो जाता है कि इस गांव के बहुत से छोटे से जिले के अंदर ये हमारे लोग हैं, तो हमारी वो टीम के अंदर वो उनको हम एक तरह का अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि कई बार आप उन तक पहुंच ही नहीं पाते, आप उनके उनको उन तक रीच नहीं कर पाते, उनको कैसे लेकर जाना वहां से, उन छोटे छोटे गाँव में जो लोग हैं उन तक पहुँचने के साधन नहीं है। फिर हम लोग अपनी गाड़ियां भेजते हैं, बाइक्स भेजते हैं कि उनको वहां से उठाकर जल्द से जल्द अस्पताल में लेके आए, और अस्पताल वाले भी लोग इतने ज्यादा इतना ज्यादा क्राउड है वहां पर, इतने ज्यादा लोग हैं कि उनको खुद समझ नहीं आता कि कैसे डील कैसे करें इन चीजों से। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम लोग हर रोज करें। जैसे मेडिसिन का मैंने आपको बताया कि रेमडेसिविर बड़ा चैलेंज था, लेकिन अभी हमने बहुत हद तक उसको सॉल्व कर दिया कि ताकि किसी को भी कभी भी जरूरत हो आप कॉल करेंगे, विल मेक श्योर कि हम आप तक सही तरीके से जो दवाइयां हैं वो पहुंचा सकें।